नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव से पहले भाजपा में बड़ा बदलाव, बदले गए प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा खेमे से बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष को बदल दिया है। भाजपा ने सांसद अरुण साव को नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इस संबंध में जानकारी भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक पत्र के माध्यम से दी है। बता दें कि अरुण साव वर्तमान में बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। अरुण साव का जन्म 25 नवंबर 1968 में हुआ है। वे 54 साल की उम्र में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। पार्टी ने आदिवासी चेहरे की बजाय ओबीसी चेहरे पर दांव लगाया है। अरुण साव एबीवीपी के प्रदेश मंत्री भी रह चुके हैं। वो हाईकोर्ट में उप महाधिवक्ता भी रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा था, कई लोगों ने अध्यक्ष बनने के लिए कपड़े भी सिलवा लिए हैं। अध्यक्ष बनने के लिए हर किसी ने इच्छा पाल रखी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि प्रदेश में वर्तमान टीम का कार्यकाल अभी बहुत बाकी है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हुई थी कि क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान धरमलाल कौशिक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन पार्टी की हार के बाद उन्हें विधानसभा में विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद पार्टी ने आदिवासी नेता विक्रम उसेंडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसेंडी करीब एक साल ही अध्यक्ष रहे। इसके बाद पार्टी ने 2020 में विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ बीजेपी का नेतृत्व संभालने का मौका दिया गया था। तब से वही प्रदेश अध्यक्ष बने हुए थे। इसके बाद पार्टी ने आदिवासी नेता विक्रम उसेंडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसेंडी करीब एक साल ही अध्यक्ष रहे। इसके बाद पार्टी ने 2020 में विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ बीजेपी का नेतृत्व संभालने का मौका दिया गया था। तब से वही प्रदेश अध्यक्ष बने हुए थे।